दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है पूरे देश में। दोस्तों अब विधवा पेंशन योजना में मिलेगी विधवा पेंशन हर महीने 5,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वैसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए, रोज़ाना सरकारी योजना को जानने के लिए, नए नए अपडेट देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करें ताकि ऐसी नई नई वीडियो दोस्तों आपको रोज़ प्राप्त होती रहें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा का उत्तर प्रदेश की 90,000 विधवा महिलाओं का फ़ायदा मिलेगा। सरकार ने इन सभी योजना का महिला पेंशन योजना का लाभ दिलवाने की तैयारी की है, कर दी गई है। महिला कल्याण और वित्त विभाग के बीच इस संबंधित को कार्रवाई तेजी से चला रही है। बता दें कि आप उत्तर प्रदेश सरकार पति की मृत्यु के बाद निश्चित महिला को निश्चित और महिला पेंशन योजना के तहत 5,000 रुपये विधवा पेंशन योजना को तैयार कर रही है। अब विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं को मिलेगी 5,000 रुपये की पेंशन। जी हाँ दोस्तों करती हैं, लेकिन सरकार को लगातार शिकायत करने में कि प्रदेश में बड़ी संख्या में विधवाएँ पेंशन के लाभ नहीं वंचित हैं। मुख्यमंत्री योगी का सर्वे कवाकार प्रदेश की सभी छूट विधवाओं को पेंशन का लाभ दिलवाने का ऐलान किया था। इसके बाद करवाने के मार्च 2019 तक में 90,000 विधवाओं योजना का लाभ से बातचीत पाई गई है। अब इन सभी विधवाओं का पेंशन दिलवाने के लिए योगी सरकार ने 5,000 रुपये पेंशन कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, शासन के एक परिचित अधिकारियों को बताया कि मुख्यमंत्री श्री इस घोषणा का क्रियादान और लेकर हाल की बातचीत संबंधित अध्यक्ष को उचित बैठक के इस मामले में कल्याण और वित्त विभाग की अधिकारियों शामिल हुई हैं। बैठक में तैयार किया गया जल्द से जल्द इन SPI के पता किया है। आइए जानते हैं वित्त मंत्री का अधिकारी और 2019 और 2020 से योजना का लाभ से छूटी हुई 90,000 लाभार्थियों मुख्यमंत्री श्री घोषणा में संचित चिन्हों से लाभार्थी और हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यदि इन 90,000 लाभार्थियों में पुराने भी हैं तो इनके संबंधित में वित्त विभाग से स्थिति स्पॉट कर लीजिए जाइए और स्पॉट होते ही सरकार तैयार कर सकेगी। इनमें से क्या सभी को पिछले वित्तीय वर्ष में लाभार्थी जाना है या कितने को पिछले वित्तीय वर्ष में लाभार्थी जाना है और कितने को चालू वित्तीय वर्ष से पिछले वर्ष में 1.80 लाख अधिक विधवाओं को पेंशन 5,000 रुपये की लक्ष्य देने की तैयार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, दिलवाने का लक्ष्य कर रही है। प्रदेश सरकार के पिछले वित्त वर्ष के आक्षेप 1.80 लाख अधिक विधवाओं को इस योजना का लाभ दिलवाने का लक्ष्य तैयार कर रही है। 2016 और 2017 और 2020 तक 17.32 लाख विधवाओं को इस पेंशन का लाभ दिलवाने के लिए तैयार कर रही है। जी दोस्तों, 2020 से और 2019 में लाभ पाने वाली निश्चित महिलाओं को संचित बढ़ाकर 21.69 लाख पहुंच गई है। सरकार ने 2022 और 2020 और 2019 के तहत 23.49 लाख विधवाओं पेंशन को निश्चित महिला पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का लक्ष्य तैयार कर रही है। जी दोस्तों, और हर विधवा पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए सरकार अपनी पहल को पूरा करना चाहती है और विधवा पेंशन हर महीने 5,000 रुपये देना चाहती है। जी दोस्तों, तो दोस्तों हमारी दी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए, रोजाना सरकारी योजना को जानने के लिए, नए नए अपडेट देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो देखने के लिए।